संतप्त मानस शांत हां, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे। समय सार परमागम की 19वीं गाथा से चर्चा आरंभ की थी, जिसकी उत्थानिका में कहा था कि है आत्मा कब तक अज्ञानी रहेगा। फिर उसके उदाहरण के रूप में 20वीं, 21वीं और 22वीं गाथाएं आएं, जिसमें ये कहा गया था कि ये अज्ञानी है, ये कैसे पहचाना जाए। उस संदर्भ में ज्ञानी कैसे पहचाना जाता है 75वीं गाथा, उसकी भी चर्चा की थी। अब जो वे कहते हैं, ऐसा जो अप्रतिबुद्ध जीव है उसे समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अब हम ये प्रयत्न करते हैं कि ऐसे अज्ञानी जीवों को समझाया जाए। देखो, समय सार जैसा परमागम, जिसमें हम कहते बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं, और उसमें क्या कह रहे हैं कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद नगर देश गांव और दुनिया, शरीर और रागादि भाव, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा मानने वाला अज्ञानी है, इन्हें अपना नहीं मानने वाला ज्ञानी है, और तब तक ये संसार में रहेगा जब तक ये ऐसा मानता रहेगा। और इतनी मोटी बात कर रहे हैं, यहीं तक लाए ना कौन। तो हमको ऐसा लगता है जैसे शरीर से भिन्न, स्त्री पुत्र से भिन्न बताने की बात तो कोई दूसरे छोटे मोटे ग्रंथों की होगी, समय सार ग्रंथ की नहीं है। अब देखिए, अप्रतिबुद्ध को समझाने का यहाँ प्रयत्न कर रहे हैं। क्या प्रयत्न कर रहे हैं, अभी पढ़ें अपन। अन्नाने मोहिद मदी मध्यमेणम भणति पौगलम दब्बम ततः जीवो बहुभाव संयक्तो सबन्नुनान दिठो जीवो उगयोग लक्षणो नित्यम कैसो पुगल दम्बी भूदो जम्मन से माध्यमिनम जदिसो पुगल दीव भूदो जीवत्त मागदम निदरम बहुत सरल गाथाएं हैं, हिंदी भी पढ़ लो। अज्ञान मति बहुविध
तदिशो नलोई हो जीव जब मेरे पुद गल द्रब हैं। कहते अज्ञान मोहित मदी, अज्ञान से मोहित है बुद्धि जिसकी। अज्ञान का मतलब मिथ्यात्व। अज्ञान दो तरह का होता है, एक छायोपशमिक अज्ञान और एक औदयिक अज्ञान। औदयिक अज्ञान तो ज्ञानियों के भी होता है। औदयिक अज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को नहीं जानना अथवा अप्रयोजन भी पदार्थों को गलत जानना। और छेवसम ज्ञान का अर्थ होता है कि प्रयोजन भूत जो अपना भगवान आत्मा और सात तत्व हैं उन्हें नहीं जानना, क्या इसका नाम है छेवसमिक अज्ञान। इसका मतलब मिथ्यात् से सहित जो अज्ञान होता है वो छेवसम ज्ञान कहलाता है और उससे जो रहित होता है वो औदे। लेकिन उससे रहत का मतलब नहीं है, मिथ्या दृष्टि के भी औदे का ज्ञान तो होता ही है और समय दृष्टि के भी हो सकता है बाहर में गुणस्थान का। तो यहाँ जो अज्ञान लेना वो छह उसमें का ज्ञान लेना माने मिथ्या तो सहित अज्ञान। मिथ्या अज्ञान से मोहित है मति जिसकी, ऐसे जीव पोगल दब्बम मध्यमणम भणती। पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है ऐसा कहते हैं। देखो अब कितना कितनी बड़ी भूल है, है? वो तो किसी मिथ्या दृष्टियों के होगी ना अभय कुमार जी, और अपन तो अज्ञानियों में होगी ना। और अपने क्या समझ में नहीं आता कि हम अज्ञानी हैं कि ज्ञानी, ना ज्ञानी कहते बनता है ना अज्ञानी कहते बनता है। क्यों? ज्ञानी कहते एक डर लगता है, अज्ञानी कहते दूसरा डर लगता है। और वो कहते जो जो अज्ञानी है इस जगत में वो सब पोगल दब्बम मध्यम भणदी, पुद्गल द्रव को ये अपना है ऐसा मानते हैं। यदि आप अज्ञानी हैं तो भले ही भाषा सुधर गई हो, ख्याल में आए ना, आप भी पुद्गल द्रव को ऐसा मानते हैं कि ये मैं हूँ ये मेरा है। कैसा अब संबंध सिंह तो हम क्या बताएं आपको, लेकिन हम मानते तो नहीं है स्त्री पुत्र मकान जायदाद को अपना, क्यों? लेकिन कोई हाथ लगा के देखे तो फिर बताएंगे हम। मैं ये कहता था लोगों से कि मैं उस किराए के मकान में कभी नहीं रहूंगा जिसमें साथ में मालिक रहता। क्यों? कि उस घर में हम एक कील टोपी टांगने के लिए खो ठोकें तो उस मकान मालिक को लगता है मेरी छाती में ठोकी जा रही है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मकान ही गिरा दोगी, क्या करोगी, समझ में आ कर गया। अब ये देह ऐसी है जिसमें तुम खुद रहते हो और इसमें जरा सा भी यहाँ से यहाँ हो जाए, क्यों, फिर देखो क्या आनंद आ जाता है। पर हम ये कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। देखो कहते कौन सा पुद्गल द्रव्य, तो उन्हें देखो अलग अलग भेद करते हैं ना, कभी कर्म रूप में नो कर्म रूप में ऐसा बात करते हैं। यहाँ कहते हैं बद्धम अबद्धम चित्तहा। बद्धम माने ये शरीर और आत्मा के प्रदेश एक साथ बंधे हैं ना, कब से कब तक के लिए, जन्म से लेके मृत्यु तक के लिए, ये कभी अलग नहीं होंगे। जिस दिन अलग होंगे समझ लो उस दिन मर जाएगा आदमी। तो ये बद्धम माने शरीर और अबद्धम माने समझ लो स्त्री पुत्र आदि जो है, स्त्री पुत्र तो सजीव है तो टेबल कुर्सी मकान ये सब समझ लो आदमी। जो जो मेरे से बंधा है और जो मेरे से नहीं बंधा है ऐसा सभी पुद्गल द्रव्य, ख्याल में ना, जो एक क्षेत्र आपका संयोग रूप से है और जो एक क्षेत्र आपका संयोग रूप से नहीं है, वो उन सत्ता जीवो बहुभाव संयुक्तो, और अनेक भावों से युक्त जीव ऐसे पुद्गल द्रव्य को, कैसे है वो पुद्गल द्रव्य बद्ध अनेक भाव से संयुक्त हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल अधे अधे हैं।
अब वो कहते हैं दूसरी गाथा में, सबन्नुणान दिष्ठो जीवो उवयोग लक्षणो नित्यम कैसो पुगल दब्बी भूदो जम भणसि मध्यमणम। जब तू इसे अपना कहता है तो एक तो तू इसे अपना कहता है और एक तरफ अरहंत भगवान ऐसा कहते हैं, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसा आया है कि तू जुदा है और ये जुदा है और तेरा कभी ये नहीं हो सकता और तू इसका कर्ता भोक्ता भी कभी नहीं हो सकता। तो सर्वज्ञ भगवान तो ये कहते हैं और अज्ञानी जगत ये कहता है कि मेरा है और मैं कैसे नहीं है, मैं इसको ऐसा करूँगा, मैं इसका मालिक हूँ क्यों, और मैं करके बता दूंगा, तुम समझते क्या हो। तो वो आचार्य कह रहे कि अब बोलो किसकी माने और तू किसकी मानेगा, उस अज्ञानी जगत की कि सर्वज्ञ भगवान की। माने सर्वज्ञ भगवान को सामने रखकर वो बात करते हैं, हमारी हिम्मत नहीं है तुमसे भिड़ने की तो वे भगवान को भिड़ाते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि अलग अलग है, तुम्हारे नहीं है, तुम इसके कर्ता नहीं हो और तुम कह रहे हो करता हूं, तो ये मामला बराबरी का हो जाता है जगत की दृष्टि में कि कौन सही कहता है, ये कहता है कि ये कहते हैं मालूम नहीं आया क्या करें क्यों। तब वो कहते भैया ये हम कहाँ कह रहे हैं, ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात है और वो हमने यहाँ कही है और ये तेरी अपनी बात है, तो तेरा सीधा जोड़ तो सर्वज्ञ भगवान से हो रहा है, दोनों में कितना फर्क है। भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष में ये जो है राजगिरी क्षेत्र, वहाँ एक भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष में एक सेमिनार हुआ था, तो उसे मुझे भी आमंत्रित था, तो मैंने उसमें अनेकांत सात बार सब्जेक्ट पे अपना व्याख्यान दिया था, लेख लिख के प्रस्तुत किया था जो मेरी किताबों में भी छपा है। तो वहाँ जब मैंने बोला तो एक श्वेतांबरों के बहुत बड़े पंडित थे, अभी स्वर्गवास हो गया, उनका नाम था नथमल टांटिया, आप लोगों ने नाम सुना हो तो एकदम गुस्से में खड़े होके बोले, चाहे जो आता है जो कुछ आता है मन में बोलता रहता है, समझ में नहीं आता, ऐसे एकदम झुंझला के ऐसे बोलो जैसे अपन ने जैन धर्म को बड़ी गालियां दे दी हों। और बोले कि फिर उन्होंने अपना शुरू किया, जहां तक मैं समझता हूँ ये अनेकांत का अर्थ ये होना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ, जहां तक ऐसे बोले बोले जो कुछ भी बोले। तो मैं खड़ा हो गया कि मैं इसका जवाब दूंगा, अधिकार होता है जवाब देने को उसको। डीएस कोठारी उस सभा के अध्यक्ष थे, डीएस कोठारी का नाम सुना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, सबसे बड़े वैज्ञानिक हिंदुस्तान के। वो उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने कहा आप झगड़ा हुआ ये, तो उन्होंने कहा मेरे से कि डॉक्टर साहब आप बैठो शांति से, मैं आपको उत्तर देने का मौका अवश्य दूंगा लेकिन थोड़ा मामला ठंडा हो जाने दो। बैठ गया मैं, उन्होंने भी बैठा दिया। फिर दो तीन वक्ता बोलने के बाद अब बोले डॉक्टर साहब आप अब जवाब। मैं किस लिए आपको ये बात कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ एक ही बात कही थी कि मैं सारे सदन से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि टांटिया जी तो ये कह रहे कि जहाँ तक वे समझते हैं और अनेकांत ऐसा होना चाहिए, उन्हें भी पक्का भरोसा नहीं है कैसा है और जहाँ तक उनकी समझ है वो उसके हिसाब से बोल रहे, और मैं अपनी समझ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आगम में जो आया है उसकी तरफ से बोल रहा हूँ, और मैं जहाँ तक नहीं समझता हूँ, जिस विषयों में मैं जहाँ तक समझता हूँ उनको बोलता ही नहीं हूँ, जिसको मैं पूरी दृढ़ता के साथ मेरा निर्णय होता है उसी बात को मैं कहता हूँ, इसलिए सारे सदन से निवेदन है कि मेरी बात इस रूप में सुनी जाए कि मेरी नहीं है, सब बन्नु नान दर्जुम, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलकी हुई बात है, अब आप डिसीजन करो क्यों। ये बिल्कुल ऐसा ही केस है ना, क्योंकि आचार्य अपनी तरह से समझा रहे थे तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी, कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं ऐसा हुआ तो, क्योंकि आचार्य कुंदकुन देव कहते हैं, बात तो सच्ची है कुंदकुन देव कहते हैं, लेकिन वे भी तो क्षयोपशम ज्ञान वाले ही है ना, क्यों अभिनंदन जी है, वे भी तो क्षयोपशम ज्ञान वाले ना।
तब वो ये कहते हैं कि ये बात छायक ज्ञान वालों की है, भले ही सेवसम ज्ञान वाले कह रहे हों। कौन क्या? हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना हो तो ये करना चाहिए, संस्कृत सीखना चाहिए, प्राकृत सीखना चाहिए, क्यों? और अपना सम्मत शिखर हर कीमत पे अपने को बचाना चाहिए, जान की बाजी लगा करके भी कि सर्वज्ञ भगवान कहते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता एक परमाणु मात्र भी। ये तो आपकी बात ठीक है, हम भी मानते हैं, हमने भी समय सार पढ़ा है, लेकिन करना चाहिए, ये बात भी सच्ची है। तो साथ में लगे बता देंगे सच्ची है, क्यों कि लिखी होगी, लेकिन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तो ये आया कि एक एक परमाणु स्वतंत्र है, ना प्रत्येक कण स्वाधीन है, जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है। जन नहीं, गांधी जी तो ये कहते थे प्रत्येक जन स्वाधीन होना चाहिए, है नहीं, जनता के हर आदमी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। अभी मिल तो गई, लेकिन गांव गांव तक अंतिम व्यक्ति तक स्वतंत्रता नहीं पहुंची, क्यों? लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, मिलना चाहिए नहीं, चाहिए माहिए की बातें नहीं है, प्रत्येक जन स्वतंत्र है, अकेला जन नहीं, माने पुलगल का परमाणु भी स्वतंत्र है। और अभी गुरुदेव के वचन में आया था ना कि उसमें उतने ही अनंत गुण है जितने तुम्हारे जीव में है। क्या? जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अनुअणु स्वयं में लीन है। तो ये बात कह रहे तेरी माने के सर्वज्ञ की। मैं कहता हूं कि छाती पे हाथ धर देखें, कहने के हम जैनी हैं, लेकिन अस्तित्व में हमारे हृदय में कर्तावाद, ईश्वर कर्तावाद और आत्मकर्तावाद दोनों ही घुसे हुए हैं। आत्मा मैंने किया, मैंने किया, ये जोम में आता ना तो मैंने किया, और फिर जब दो चार डंडे पड़ जाते हैं और कुछ होता नहीं है, अब क्या करूं, भगवान की मर्जी ऐसी थी, मन बस तेरी तो मर्जी बहुत अच्छा करने की थी और भगवान की मर्जी बिगाड़ने की। मैंने तो पूरी ताकत लगा से उन्हें बचाने की कोशिश की, बच गए तो मैंने बचाया और मर गए तो भगवान की मर्जी ऐसी, मारने का काम भगवान का। क्यों? ते सबन्नुणान दिठो, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो ये झलका है कि जीवो उपयोग लक्षणो नित्यम, कि जीव तो हमेशा ही उपयोग लक्षण वाला है, निगोद में राग लक्षण वाला हो और सिद्ध दशा में उपयोग लक्षण वाला हो ऐसा नहीं है। निगोदिया लेके मोक्ष तक प्रत्येक जीव उपयोग लक्षण से पहचाना जाता है। एक बात मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, शुरू के दिन भी मैंने कहा था और प्रश्न भी फिर मेरे सामने ऐसा आया था कि भैया कि इसमें लिखा ना कि ज्ञानी आत्मा कैसे पहचाना जाता है, लिखा करें लिखा, और अज्ञानी कैसे पहचाना जाता है। अरे मेरे घर की बात तो नहीं, ये हेडिंग बनाया अमृतचंद ने और उत्तर दिया कुंद कुंद ने कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, ऐसा मान्यता से अज्ञानी पहचाने जाते हैं। क्यों? और ये मैं इनका नहीं हूं, मैं तो सिर्फ इनका ज्ञाता हूं, इनका अपना नहीं, ऐसे लक्षण से ज्ञानी पहचाने जाते हैं। और हमें आप कैसे मालूम पड़े, और उनसे पूछो मेरे से क्यों पूछते हो, वे कह रहे कि पहचानने का तरीका ये है। क्या योगी समझे ना, ये तो मजा नहीं आया, ये तो अपूरा है, मजा नहीं आया तो उनसे पूछो। ये तो सर्व सबन्नु नान दिठो ये लिखा इसलिए कह रहे हैं आचार्य, यही प्रश्न उठा था कि इससे भी तो हम एक कैसे जाने कि ये ऐसा मानता है कि मैं पुद्गल देव का करता हूँ, पर ये नहीं मानते, हमें तो दोनों ही एक से दिख रहे और दोनों ही एक से बोलते दिख रहे। अब एक वो अंदर में ये जानता है कि ये मैं नहीं हूं, तो व्यवहार से कहा जाता है, व्यवहार की भाषा ऐसी है,
और व्यवहारियों से व्यवहार करना है, बातचीत करनी है, तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, है ना। ये जाने और दूसरा नहीं जानता, अब हम कैसे जाने, तो मुझे क्या पता, उनसे पूछो कैसे जाने। किस लक्षण से हमें पहचाने, देखो यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि कई मूर्ख ज्ञानी बन जाते हैं, क्योंकि वो लक्षण इतना स्पष्ट नहीं है कि हम विद प्रूफ ऐसा सामने हाथ पर रखे हुए गदेली जैसे जैसा रख दे, में ख्याल में ना। और बहुत से ज्ञानियों को हम अज्ञानी घोषित कर देते हैं। अब उनकी समस्या ये है, अब आचार्य कहते भैया ये ज्ञानी है कि नहीं है, ये लक्षण हम तुम्हें उसकी पहचान का चिन्ह इनके ज्ञानी अज्ञानी पने की जानने के लिए नहीं बता रहे, तुम ज्ञानी हो कि नहीं अज्ञानी हो इसके लिए बता रहे। तुम अपने हृदय में तो अपना नाप लो ना कि तुम्हारे अंदर में क्या है। दूसरे के बारे में कदाचित थोड़ा गलत निर्णय भी हो जाएगा तो तुम्हारा संबंध समझने से कोई संबंध नहीं है। गोमर सार में गाथा है, अजान वाणो गुरु नियोगाद, है कि नहीं है। लेकिन तुम अपने बारे में तो हम ये जो हमने तो पहचान का चिन्ह बताया कि ये ज्ञानी है अज्ञानी है, ये कैसे जाने। तुम कहते ए ए, अरे ये नहीं ए, इस जगत के ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, हम यदि ये जान लेंगे तो हमें समाधान हो जाएगा। नहीं, हमें उदाहरण देना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसे काल्पनिक देता हूं। क्यों कि मैं ये मान लूंगे पंडित तुम ज्ञानी है तो मुझे समाधान हो जाएगा कि नहीं। पंडित रतन चंद श्रद्धानम समाधानम है क्या? तो रतन चंद नहीं तो हुकुम चंद क्यों नहीं है, फिर स्वामी जी क्यों नहीं है, फलाने जी क्यों नहीं, ढकाने जी क्यों नहीं, आता ना अपना उसमें सर्वज्ञ कपलो यदि सर्वज्ञो, वचन मात्र से कैसे मान है। तो वो कहते हैं कि ये है ऐसा जान लो तो भी तुम संबंध होने वाला नहीं है, और ये नहीं है ऐसा जान लो तो भी संबंध होने वाला नहीं है। लेकिन तुम अपना जानो ना कि तुम्हारा एकत्व किस में है, अंदर से निकालो श्रद्धा के लेवल पर जाकर। श्रद्धा के लेवल पर दूसरे पहुंचे चाहे ना पहुंचे, लेकिन तुम तो अपने श्रद्धा के लेवल पर पहुंच सकते हो। क्यों, किसने कितने पाप किए दूसरा जाने चाहे ना जाने, लेकिन जिसने किए वो तो जानता है कि नहीं। ऐसे तो बहुत बड़ी बात है सम्मा दर्शन की, लेकिन तू छोटी सी बात कर ले कि यहां ये बैठे जितने लोग हैं उनके में बीच बीच में खोटे भाव हिंसा के झूठ के चोरी के किन किन को आए, बढ़िया घड़ी देख के चुराने का भाव किसको आया, किसी माँ बहन को देख कर खोटा भाव किसको आया। क्यों ये जान सकते हो तुम, बताओ इसके जानने का पहचान है कोई ऐसा कैमरा है? क्यों अभिनंदन जी है नहीं है ना, तो तुम पाप नहीं जान सकते वाले आदमी दूसरे का समझ कैसे जानोगे। आप समझे, अब हमारे मन में आ गया कि घड़ी चुरा ले तो हम जान सकते कि नहीं, तो हम अपने को ज्यादा जान सकते कि दूसरे को ख्याल में आगे नहीं है। तो तुम अपने को जान सकता है तो अपने को जानने की कोशिश क्यों नहीं करता है? तुम अपने पाप को जान सकता है, अपने पुण्य को जान सकता है, तो अपने धर्म को क्यों नहीं जान सकता? और उसके लिए हम जो तेरे को लक्षण बता रहा है कौन सा उपयोग लक्षण, सब बनुणान दिठो जीवो उपयोग लक्षणो नितम कहे सो पुगल दब्बी भूदो जीवत मागदम इदरम। वो पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकता है, आचार्य को आश्चर्य होता है। तो कहते हम तो नहीं मानते पुद्गल द्रव्य को, हम तो जीव ही मानते हैं। कि जीव ही मानते हो तो फिर एक कैसे कह सकते हो कि जे मेरा है, देखो आगे लिखा यदि सो पुगल दब्बो
भीड़ो यदि पुद्गल द्रव्य रूप है वो जीवत्तमागेदम इदरम तुरसको बत्तमजे मध्यमणम पौगलम दब्बम। तुम इस पुद्गल द्रव्य रूप हो जाओ तो तुम कह सकते हो गए पुद्गल द्रव्य मेरा है। ठीक है, जो जिस रूप होता है वही उसका होता है, ये नियम है। गुरुदेव तो इसका ऐसा विचित्र उदाहरण देते थे कि अपन देंगे तो थोड़ा संकोच होगा। वो कहते थे कि तुझे यदि भैंस का पति बनना है तो पाड़ा बनना होगा, कहते थे, आता ना भजन में, क्योंकि भैंस का पति तो पाड़ा होता है। अब तुम तो भैंस का पति है, ये 100 गायों का पति है, और इतने घोड़ियों का पति है, और इतने मकान का पति है, कितने लखपति है, करोड़पति है, कितनों का पति है तुम? अरे तुम तो वास्तव में अनंत पति है, क्योंकि अनंत पदार्थों का किसका है, मानता है अपने को है, और कुछ का बनना है, भूतकाल कुछ भविष्य काल है, और कुछ का था। तो वो ये कहते हैं कि तू जब बन सकता है। हिंदी साहित्य में एक कहानी है जो सर्वश्रेष्ठ कहानी आज तक मानी जाती है, आज तक की लिखी गई कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, और उसके लेखक ने सिर्फ 3 कहानियां लिखी, और 2 कहानियों का कोई नाम भी नहीं जानता। एक कहानी है उसका नाम था उसने कहा था, समझे, और उसका पहला पेज पढ़ो तो उसने एक चित्र खींचा है अमृतसर के बाजार की गलियों का, गलियों में जो बाजार होते उसका एक चित्र खींचा है। कब का? आज से 100 वर्ष पुराना। दवाई का वो आदमी था चंद्रधर गुलेरी शर्मा, उसका नाम था, इसने लिखी थी वो कहानी, जयपुर का था वो, कहते तो उसने अमृतसर के बाजार का चित्र खींचा है। वो कहता है कि आप सड़क पे जा रहे होगे, आपसे कहता है, तो वहां तांगे वाले चिल्ला चिल्ला कर आपसे कह रहे होंगे, हे पुत्ता का प्यारिया, माने तू अपने पुत्रों को प्यारा है तो हट जा, नहीं तो मर जाएगा, ऐसा। और फिर अंत में इसमें लिखा उसने कि घोड़े की नानी से अपना निकट का संपर्क स्थापित करते हुए। अभी वो कहता है ना सा, अबे घोड़ा, उसको माँ बहन की गालियां देता है, क्या समझ गए ना, तो वो कहते हैं कि वो उसकी नानी से अपना संपर्क स्थापित कर रहा, रिश्तेदारी बता रहा है, डंके की चोर, वो शब्द नहीं बोलना चाहता, वो गाली, जैसे आप है ना, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली पे हैं गालियां देते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ये घोड़े के नानी से निकट का संपर्क स्थापित करते हुए ऐसे तांगे वाले मिल जाएंगे कि बच जा पुत्ता प्यार, ये बच्चा, ऐसा करते करते एक उसने चित्र खींचा है ना। ऐसे चतुर्सेन शास्त्री ने एक चित्र खींचा है दिल्ली की गलियों का, पढ़ा देखा कभी, ये जो ककड़ी आती है ना खीरे पतली पतली पतली, तो कि खीरे बेचने वाले चिल्ला चिल्ला कर जहां कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कि मजनू की पलस पसलियां लैला की उंगलियां। कितनी कैसी कैसी उपमा। तो ये कहते तुम दिन ना रात इस पुद्गल द्रव्य के स्वामी बनकर अपना संबंध पुद्गल द्रव्य से स्थापित कर रहे हो। अब वो ये कहते हैं कि ये तुम पुद्गल द्रव्य के स्वामी तब बन सकते हो कि तुम पुद्गल द्रव्य बनो। बोलो तुम बनने को तैयार हो? गधा को माँ बहन गालियां की देने के लिए गधा बनना पड़ेगा, समझ नहीं ना अभी, तो देखो लिखा दे, यदि तुम पुद्गल द्रव्य नहीं हो सकते हो, हम तो नहीं होएंगे, तो सको बद तुम्हे मध्यमम पौधगरम दबम, फिर तुम्हें कैसे कह सकते हो कि मैं पुद्गल द्रव्य हूं या मेरा पुद्गल द्रव्य है। हिंदी में भी ऐसा, अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जीव अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहें। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह,
पुद्गल मई हो किस तरह तू अपना कहे। अब ये अंतिम गाथा, जीव मय पुद्गल तथा पुद्गल मई हो जीव, जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य हैं यह कहा जा सकता है तब। ये दो तरह भी बात आई कि तू ये कहेगा ये किताब मेरी है, तो या तो तुझे किताब बनना पड़ेगा या किताब को पंडित हुकुमचंद बनना पड़ेगा। क्या जीव पुद्गल मई हो या पुद्गल जीव मई हो, तब तुम कह सकते हो कि पुद्गल द्रव्य मैं हूँ, पुद्गल द्रव्य मेरा है और मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ। कहीं बात तो यही सच्ची है, हैं? लेकिन आखिर संपत्ति का तो बंटवारा करना ही पड़ेगा ना, भगवान ने सब दे भी करके गए थे ना, बाहुबली को पोदनपुर का राज दे के गए थे क्या, और भरत का अयोध्या का क्यों दे गए थे, उन्हें क्या अधिकार था देने का, उनका था क्या, उनका नहीं था, तेरा था, अपने ही दे गए थे ना। अरे क्या है ना, उनका था ना, भरत का था ना, बाहुबली का था। लोग बोलते हैं ना कि बाहुबली को केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, कि क्यों नहीं हो रहा था, कि उनको एक विकल्प था कि मैं भरत की हूं पे खड़ा क्यों, और फिर बाहुबली भरत चक्रवर्ती को मालूम पड़ा, देवों ने इंद्र ने आके कहा क्यों, कि इसलिए उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो उन्होंने कहा था मैं कह देता हूँ कि मेरा नहीं है आपका ही है, हैं? और वे गए और उन्होंने कहा हे भगवान बाहुबली मुनिराज, आप ऐसा विकल्प क्यों करते हो कि ये छह खंड मेरे हैं, ये छह खंड तो आपके ही हैं, क्यों, क्योंकि तीन प्रकार के युद्ध में आप ही जीते थे, ये तो आप छोड़ के चले गए तो मैं तो संभाल रहा हूं आपका मुनीम बन के। ये सुनते केवल ज्ञान हो गया, कितना सस्ता केवल ज्ञान है, है? अब मैं इसके बारे में कुछ कहूंगा तो मैं आगम में लिखा है जवाब देना पड़ेगा, क्या कहूंगा, है? तुम्हें हिम्मत हो तो समझ जाओ। ये बोलो जो छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूल रहे थे और जिन्हें इसी भव में नहीं इसी वर्ष केवल ज्ञान होने वाला था, अथवा तो क्षण भर बाद केवल ज्ञान हो गया ना, ऐसे बाहुबली मुनिराज के चित्त में ऐसा भी विकल्प रह सकता है कि ये भरत की भूमि है, ये जमीन किसी की नहीं होती, आज तक हुई नहीं है, है ही नहीं, क्यों, और ये सुनते ही कि मेरी है, क्यों, अरे वाह, ये तो है क्या करेगा, तो बच्चा रिश्ते हो गए पक्के हाँ साथ ऐसा कही उनने और बिल्कुल हो गया और बराबर हो गया और मान के शिखर पे चढ़े थे, ऐसा भी कहता है ऐसा कहता है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। उनके लिए जिनके अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान होने वाला, उनके लिए हम ऐसी बातें करते हैं। जब बनारसी दास जी का स्वर्गवास होने लगा ना तो उनको उनकी जबान रुक गई थी, है जरा बीमारी होती है ज्यादा तो जबान रुक जाती है, क्यों अन्ना जी, थोड़ी बीमारी होती है तब भी रुकने लगती है ना, अभी साक्षात भोगी है ना, तो लोग इकट्ठे हो गए, अब ऐसे शांत पड़े थे तो कहते देखो इतनी बीमारी है, इतने हो गए बिल्कुल सूख के कांटा हो गए, अब न मालूम इनका मन काय में अटका है इसलिए ये मरते नहीं है, ये समझते मन कहीं अटक जाए तो मरते नहीं है, कि बेटा अमेरिका से आ जाए तो उसकी शक्ल देख लूँ, तो उन्हें मन अटका रहता है, वो आया सामने और क्यों हो जा रहा है ऐसा, तो सब ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहे थे, अब भी सुन तो रहे थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, अरे तो अपने चेतन में थे, थोड़ा सा उपयोग उनके बाहर गया तो उनकी बातें सुनी तो उनका चित्त में थोड़ी गड़बड़ी हुई और उन्होंने एक कागज मंगाया, पेन मंगाया और लिखा, ज्ञान कुतक का हाथ मारे अरि मोहना, चले बनारसी दास फिर नहीं आवेना। कहते बनारसी दास जी कहते ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा लेकर मैंने मोहिनी भी कर्म का नाश कर दिया है,
इसलिए अब हम जा रहे हैं इस संसार से और हमें इस संसार में द्वारा नहीं आना है। देखो कितना महान थे, कितने महान थे। अरे महान थे, महानता से उतर के नीचे आए। क्यों? सुने उनकी बातें। कैसे सुनी? उपयोग बाहर नहीं जाता तो बातें कैसे सुनते? अब इस लेवल तक सुनी, प्रभावित हो गए कि जवाब देने का भाव आया। जिंदगी भर बहुत जवाब दिए थे ना हम, तो ईंट का पत्थर से जवाब देना जानते हैं ना। अब अभी जवाब देने का भाव आया। अरे ये बात उनकी महानता में से नीचे उतरने की सिद्ध करती है। क्यों? यदि उनके ज्ञान में आने की जरूरत ही थी और आ गई थी तो गे बना करके क्यों नहीं छोड़ दिया, आगे उसे लंबाया क्यों? समाधि काय का नाम है, मैं आपसे पूछता हूं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि मेरी हालत ऐसी हो जाए तो मुझे किसी का उपदेश नहीं सुनना है। जिंदगी भर तो मैं सुनाऊं आपको और फिर सब मिल मिला के आप मुझे सुनाओ, मैं नहीं पसंद नहीं है। कुछ नहीं सुनाना, मुझे अकेला छोड़ देना। कि नमो का मन तो सुनाए कि नहीं सुनाना, भक्तांबर सुनाए कि नहीं सुनाना। क्यों? क्यों अरहंतों को याद कराओगे तुम, राजनाथ को याद कराओगे? मुझे उन्हें करना ही नहीं है, मुझे तो उन्हें जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसे ही याद करना है। तुम जो बोलोगे मुझे डिस्टर्ब करोगे। कितने कितने लोग हैं, हम जाते हैं बेहोश, ये बेहोश पड़े हैं। मैं हुकुमचंद पहचाना? आज झटकोड़ दिया बेचारे को। तुम्हें बिना पहचाने बिना उनका मोक्ष नहीं रुका है कि मेरी हाजी तो लग जाए। तुम्हें अपनी पड़ी है, उनकी नहीं पड़ी है। उन्हें काय को डिस्टर्ब करते हो? बीमार आदमी है ना, मतलब कितनी, इतने हिलाने से उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। ऐसा हाथ जरा हिलाओ तो अपनी तकलीफ होती है ना कभी कभी, और वैसे में तुमने झटकोड़ दिया उसे। ये हमारी साता देखने आए हैं कि हमारी साता देखने आए कि आगे सब बैठ के रोने लगेंगे? क्यों? खिखाने लगेंगे, समझाने लगेंगे? तुम तो आप बैठ ही नहीं सकते, कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी बिल में लिख रहा हूं, समझ लो अभी ये बिल ही है ना। सबसे कह रहा हूं मुझे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, कोई मुझे को समझाना नहीं। जो मैंने सारी जिंदगी समझा है और उस वक्त मेरे ज्ञान में वो नहीं रहेगा तो किस काम का ये? तुम्हारे लिए समझाया, तुम्हारे लिए जुर्मानी का स्वाध्याय किया। मेरा अंदर समझे, मैं सबसे कहता हूं बहुत हाथ जोड़ के कि जब तक हमारे आंख कान नाक काम करते हैं, जब तक कमर सीधी है, तब तक इतना तत्व ज्ञान चिंतन करके निर्णय कर लो कि मरने के समय किसी के उपदेश की जरूरत ना रहे। क्योंकि कोई सुनाएगा और तुम्हारे कान बहरे हो गए और नहीं सुना तो क्या करोगे? तुम यहां प्रवचन सुनने नहीं आ पाए तो क्या करोगे? कि हम कैसे सुन लेंगे? कैसे? तो जब सुनोगे घर पे जब तुम सुनोगे कि हम सास पढ़ लेंगे। सास तो जब पढ़ोगे जब बेटा तुम्हें दिखेगा। और सास पढ़ने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना, ऐसा दिन आ जाएगा कि इतनी तुम पकड़ के ऐसा नहीं रख सकते। क्यों? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? अभी तो समाज के झगड़े निपटाएंगे, संवेद शिखर की शिक्षा करेंगे, इसका चुनाव उसका चुनाव देखेंगे, और फिर जब मरण लगेंगे तब आत्मा का कल्याण कर लेंगे। कर लिया। जब तक हाथ पांव चलते हैं, जब तक बुद्धि ठीक है, विवेक है, तब तक कर लो। और जिसने अभी कर लिया, जो अभी समाधिमय जीवन जीता है, उसकी मरते वक्त समाधि होगी। अभी हाय हाय करने वाला क्या हुआ? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन हम गए थे बिल्कुल ऐसे ही आधे बेहोश पड़े हुए किसी महान संत के पास। तो हमने कहा, कौन भैया तुम? जगनमोहन लाल हो? हम जगनमोहन लाल हैं। वो जमीन को कब हो?
अंठान की बात है क्या? संगठन की बात है। अरे भैया तुम जा रहे हो, जमीन वमीन को जो हुई है हो जाएगा, तुम्हें साथ में ले जाने। क्यों क्या क्या करना है? होश में छोड़ दो। देखो बस होड़ इस बात की है कि तुम इसे छोड़ते हो कि ये तुम्हें छोड़ते हैं। द्वंद्वता है, बाजी है इस बात की कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा इन शरीर इनको तुम छोड़ते हो कि ये तुम्हें छोड़ते हैं। ऐसे होता है ना, सांप सामने आके खड़ा है और हमारे हाथ में पिस्तौल है, जो पहले मार देगा वो बच जाएगा, क्यों? और एक सेकंड की देरी करी वो मर जाएगा। बोलो क्या करोगे तुम? कि पहले जो आक्रमण करेगा तब हम बाद में करेंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, बिना आक्रमण करने वाले मर जाओगे। तो ये इन्हें तुम छोड़ दोगे तो तुम समझ गए ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और इन्हें ये तुम्हें छोड़ के गए तो तुम गए। भाई इतना सा फर्क है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि घर में से निकलना तो पड़ेगा, जो डेट फिक्स है निकलना पड़ेगा ना। जो खड़े खड़े निकल गए, वे तरक्की करेंगे, और जो खड़े खड़े नहीं निकले अड़ गए कि मैं तो किसी कीमत पर छोड़ू नहीं, तो फिर क्या होगा मालूम? अड़ गए का मतलब समझते हो? क्या समझते हो? तुम तो हिंदी जानते ही, तुम क्या समझोगे? तुम जानते हो? कोई नहीं जानता। अड़ गए माने जैसे घर में अड़ जाते हैं ना अपन, जब कोई ज्यादा अपन उठा के भगाने लगता है ना, तो फिर लेट जाते हैं पकड़ के, मैं नहीं उठूंगा, उसका नाम है अड़ जाना, आड़े हो जाना, आड़े हो जाना, चिपक जाना बुरी तरह, उसका नाम है अड़ गए। कहते हैं वे तो अपनी बात पे अड़ गए, समझे ना। अब तुम जब देह छूट जाएगी तो अड़ जाओगे, तो घर पे आड़े पड़े रहोगे, तो तुम अड़ गए। तो उनको फिर घर वाले नहीं पंच आके निकालेंगे, क्यों? और ठटरी पर बांध कर, क्यों बिना बांधे ले जाओ ना, कि भैया इसकी बहुत खराब आदत है, कई दफे घर छोड़ के गया लौट के आ जाता, न मालूम कब से ठटरी पहले उठा है और कूद के घर की तरफ भागे, बहुत खराब आदत है, इसे कसो अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से कस के और सब लेके चारों तरफ घूम के घेर के 100-200 आदमी साथ में जाकर के भाग में जाए, पकड़ के वहां ले जाते हैं। अब तो छोड़ दो कि भैया नहीं, अपने यहाँ गाड़ते नहीं है, क्यों? कि गाड़ी में से जो उखड़ के उन्हें निकल के आ जाएगा तो उसे जलाओ, बिल्कुल खाक कर दो, जो आने के नो चांस। और फिर जो उसकी वह राख माख बचती है ना, तो दूसरे दिन उसे सुबह ले जा करके नदी में डालो, क्योंकि हवा चलेगी और राख उड़ के अपने घर में आ गई तो अरे लोगों की ये हालत होती है कि बह के गंगा जी में जाके बंगाल की खाड़ी में पहुंच के समुद्र में पहुंच जाए, अब आने के नो चांस। अब बोलो तुम्हें निकाले जाने से निकलोगे कि खुद छोड़ के जाओगे? अब मालूम जब कोई मिनिस्टर से मुख्य प्रधानमंत्री नाराज हो जाता है तो उनको ऐसा नहीं होता कि नोटिस दे दिया तुमको निकाला जाता है और तुमको ये किया जाता है, उनको बुला करके प्रेम से कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। वो नहीं कहता है, किसी दूसरे से कहलवाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनका विश्वास आप में नहीं रहा है, इसलिए आप त्यागपत्र दे दीजिए। अब वो त्यागपत्र दे देते, 100 में से 99 दे देते हैं, वहां भी कुछ अड़ियल होते हैं। आपका कहना मैं नहीं मानूंगा, जब प्रधानमंत्री मुझसे खुद कहेंगे तब मैं मानूंगा। चल भैया प्रधानमंत्री खुद कह देते हैं, मेरी गलती क्या है आपको? अरे भाई प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो अपने विश्वास पात्र लोगों को मिनिस्टर बनाए, तो इतना आरोप पर्याप्त है क्या कि हमारा विश्वास आप में नहीं रहा है?
क्यों, क्या कोई कारण बताना जरूरी नहीं है, मालूम संविधान में लिखा है ये सब। बस हमारा आप में विश्वास नहीं रहा, बस खत्म, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। अब जो अड़ जाए तो क्या होगा, अच्छा बताएं हम, निकालो इनकी फाइल, कितने करोड़ किसने खाए, कितने घर, अरे इज्जत के साथ चले जाओ चुपचाप, बोलो अब बताएं, देखो जल्दी। हाँ साहब मैं त्याग पत्र देता हूँ। त्याग पत्र दे के जाओगे तो हम कहेंगे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था पर हमको आदमी, सक्रिय आदमी चाहिए था, इसलिए कहते हैं जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो फिर बराबर हम लेंगे, इज्जत के साथ जाना है कि नहीं जाना बोलो। तो ये मनुष्य देह को छोड़ के जाना पड़ेगा, इज्जत के साथ जाना है कि निकालने जाना है, होड़ है, कौन किसको पहले छोड़ता है, कौन किसको पहले मारता है, नहीं है? स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब इकट्ठे घेर के मरते समय इकट्ठे हो जाएंगे, क्या कहेंगे, बच्चा अभी कहाँ रखी, वे पैसा कितने जमाए थे, किसको कितने लेने, किसको कितने देने, देने की कौन पूछता है, लेने क्या, अकाउंट कराएंगे तेरे से, ये तेरे पास जो बचा है, लड़का को कितना देना, लड़की को कितना देना, मंगलायतन को कितना देना, टोटा बल स्मारक को कितना देना, ये अकाउंट कराएंगे तेरे से, सब करना भी तो चाहिए ना, काम पहले कर लेना, निपटा लेना अभी से, झगड़ा खत्म। गवर्नमेंट को सुविधा है आजकल, क्या को क्या क्या बोलते हैं उसको, बिल फिल कर दे, झगड़ा खत्म, पहले से निपटा देना, क्यों अंतिम समय के लिए बचा के रखता है। मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता, आप भी किसी के डिस्टरबेंस उपदेश की अपेक्षा मत रखो, जब तक पढ़ने लायक आंखें हैं पूरा पढ़ लो, जब तक सुनने लायक कान हैं पूरा सुन लो, जब तक विचारने लायक मन है पूरा विचार के निर्णय कर लो, और फिर उसकी भावना भाव निरंतर, भावना भाना माने रिपीट करना अंदर में, क्या क्या रिपीट करना, कि सर्वज्ञ ने भाषा निरंतर उपयोग लक्षण जीव है। तो कैसे हो सकता है पुरगल में, ये मैं हूं तुम उसे पहचान लो और उसमें अपने उपयोग को स्थिर कर लो, कोई चिंता नहीं है, उपयोग बाहर चला जाए तो घबराना नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बंद भी नहीं होता है। अब आत्मा में से अपनापन नहीं छूटना चाहिए, कहां लिखा गया उपयोग बाहर चला जाए तो बंद नहीं होता है, कोई आचार्य का बात, हम पंडितों की नहीं मानते है। समंत भद्र ने आत्ममीमांसा में देवागमन स्तोत्र में लिखा है, तुम लोग वहां तक पढ़ते ही नहीं हो, वहां तक पहुंचते ही नहीं हो, क्या लिखा बोलो, अज्ञानाचे ध्रुवो बंधो गे अनंतान्न केवली, ये पंक्ति है उसकी देवागमन स्तोत्र की। यदि अज्ञान से बंध माना जाएगा, कौन से अज्ञान से, औदिक अज्ञान से, तो फिर कोई केवली तो है ही नहीं, और गे अनंत हैं तो अज्ञानी तो वो बारहवें गुण स्थान तक है, तो अज्ञानी अवस्था में भी केवल ज्ञानी होने का पुरुषार्थ होता है। इसलिए परद्रव्यों को नहीं जानने से बंध नहीं होता और जानने से बंध नहीं होता, क्या उन्हें अपना मानने से बंध होता है, उन्हें निज रूप जानने से बंध होता है, उसमें अपना जानकर मानकर उपयोग रमाने से बंद होता है, और वैसे उपयोग रम जाए तो भी बंद नहीं होता है, बंद की प्रक्रिया है, ये सो बंद समासो, बंद की संक्षेप में प्रक्रिया ये है, ऐसा दिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो ये क्या चीज कही इन तीन गाथाओं में, कि ये जो हमने तुम्हें बताया कौन कौन, कर्म नो कर्म भाव कर्म कह लो इनका नाम, चाहे बद्ध अबद्ध पुद्गल द्रव्य कह लो इनका नाम, ये सब चीजें मैं नहीं हूं, मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, दृढ़ता से पक्का निर्णय एक करो, व्यवहार के वचन कदाचित निकले तो भी उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा में रंज मात्र भी नहीं होना चाहिए, और अपने आप को धोखा मत दो कि उधर ही रमे चित्त जाता है, श्रद्धा के लेवल पर जाता है, ज्ञान के लेवल पर जाता है, नहीं नहीं हमें तो विकल्प ही आया है ऐसा, ये जो अदालत है कि हम थोड़ी तो तुम्हें देने वाले हैं,
उसकी सजा हम देने वाले नहीं हैं, सजा तो प्रकृति देगी, ऑटोमेटिक मिलेगी तुम में एक तो बुद्धि उसमें रहेगी तो हमें सफाई देने से क्या फायदा है। यदि आपकी नहीं है तो हम आपको नमस्कार करते हैं, है तो सुधार लेना, हमें कोई प्रूफ नहीं देना है ना कोई प्रूफ लेना है। कदाचित हमको ऐसा लगता है बाहर से देखने पर अंदाज से कि ऐसी ऐसी परिणति आपकी है तो विकल्प आता है तो कह देते हैं, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात, ऐसे बढ़िया है होए तो छोड़ लो, नहीं छोड़ने हो तो बहुत बढ़िया है, हमें क्या करना। क्यों, वस्तु का स्वरूप ये है, ये गाथा में बता रहे। अब हमने इसकी टीका अपन कल पढ़ेंगे, टीका बहुत मार्मिक है, मार्मिक तो क्या है, यही जो चार बातें हैं उन्होंने विस्तार से इसमें बताई हैं, पढ़ेंगे अपन।